गुड मॉर्निंग दोस्तों। द सुपर लीडरशिप में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग जानते हैं जो प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट लेकर के आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। आज का सब्जेक्ट है फोकस। फोकस क्या है? फोकस एक पावर है जो हमारा जीवन में सक्सेस का रास्ता खोलता है और हमारा अपना जीवन में फ्यूचर को ब्राइटनेस करता है। हम अपने काम में जिस तरफ फोकस डालते हैं उसी तरफ हमारा समय और ऊर्जा प्रभावित होने लगता है और फिर जाकर के हम अपने कामों में सफल प्राप्त करते हैं। आप लोग देखे होंगे घोड़ा का रेस में घोड़सवार जब घोड़े को जब दौड़ाता है घोड़ा का आंखों का साइड में पट्टिया लगा दिया जाता है ताकि घोड़ा इधर उधर ना देखे और ना ही डिस्ट्रैक्ट हो, तभी जाकर के घोड़ा रेस में सक्सेस होता है। हम लोग भी अपने जीवन में काम का प्रति फोकस डालते हैं तो हम लोग भी सफलता का तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग कुछ देर के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम लोग तो घोड़ा नहीं है जो आंखों का सामने पट्टियां लगा दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिस्ट्रैक्ट दूर करने के लिए? प्रत्येक दिन पौष्टिक आहार, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये प्रत्येक दिन अगर करेंगे तो हम लोग भी फोकस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर शुरुआत में सक्सेस के लिए अगर काम करते हैं, शुरुआत में 90 डेज 90 मिनट ओनली वन फोकस पर काम करें तो क्या होगा? वो हमारा हैबिट में परिवर्तन हो जाएगा और वही हैबिट हमारा फोकस में परिवर्तन हो जाएगा और वही फोकस हमें सफलता की ओर लेकर लेके जाती है और वो सफलता और इतिहास रच देती है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सचिन जी ने बैट पर फोकस किए हैं, नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंकने पर फोकस किए हैं, लता मंगेशकर जी ने कंठ पर फोकस किए हैं। ये लोग अपने अपने कामों में सफल हुए और इतिहास रच दिए। फोकस हम लोग का जीवन में क्या महत्व है? आज का दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन दो व्यक्ति से हम लोग समझ सकते हैं, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। एक इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने दोनों से एक सवाल पूछे है तो सर आप लोग तो इतना सफलता प्राप्त कर लिए हैं, सफलता का एक शब्द में मूल मंत्र क्या है? तो दोनों ने अपने अपने पर्चे में कुछ लिख करके दिए। जब वो पर्चा पत्रकार ने खोले तो वो आश्चर्यजनक हो गया। दोनों का एक ही शब्द लिखा हुआ था, वो है फोकस। दोस्तों दोनों का दोनों विभिन्न क्षेत्रों से आए, अब दोनों वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन और सफलता प्राप्त किए। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो इंसान अपने काम में तन मन धन अपना योग्यता और अपने काम का प्रति 100% सच्चाई देते हैं और लगातार फोकस उसी पर काम करते हैं तो हम लोग भी सफल होता है और इतिहास रचता है। काम का फोकस अगर सीखना है तो शेर से सीख सकते हैं हम लोग, क्योंकि तो शेर जब तक अपना शिकार को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। फोकस क्या है? फोकस एक बीज है। जिस तरह से हम लोग आम का बीज बोते हैं तो हमारा कुछ दिनों का बाद वही आम का बीज बहुत सारा फल देते रहते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम लोग भी अपने काम का प्रति ओनली वन फोकस पर लगा करके रखे हैं तो कुछ दिनों के बाद हम लोग भी सफलता होंगे और अपना फ्यूचर ब्राइट होगा। हम लोग भी अब इसी काम को सफल करने के लिए फोकस पर ही फोकस डालना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा कोर्स बोले हैं, एक समय में एक ही काम करो और उसमें इतने अपने आत्मा को झोंक दो बाकी सबको छोड़ दो। दोस्तों अगर हम लोग भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ सफलता के लिए सिर्फ फोकस पर ही काम करें, बाकी दुनिया को बातों पर नहीं, तो हम लोग भी सफल होंगे और इतिहास रच सकते हैं। लास्ट लाइन में एक शब्द में बता सकता हूँ जो आप लोग भी अच्छा लगेगा ये बात, ये लाइन को, फोकस इज मेन पावर ऑफ सक्सेस। दोस्तों इस फोकस में ही फोकस डाल करके अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग भी अपने जीवन में सफल होंगे और इतिहास रच सकते हैं। इसे इम्प्लीमेंट करें, हम और आप मिलकर के इतिहास रच सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।